देखो साढ़े परिवार के मैंबर से वो साढ़े लाणेदार से सानू समय समय से उन्होंने बुला के चाहे वह कलाकारी के गुण होन चाहे वह अपने तजर्बे से तो गल्लां दसनिया हो दसते रहते करते रहते जिहड़े सरदूल सिकंदर वर्गे कलाकार ने किसी पार्टी के जां किसी जाति या धर्म के नहीं तो सारे के सांझे कलाकार जे कि फुलां दी कच्ची पर ने गाना ना गाँवे तो शायद भगवंत मान पैदा ही नहीं होना सी क्योंकि उन्होंने गाने की पैरोडी करके तो मैं गोभी की कच्ची पर ने करके मैं हिट होया मैं तो यही अरदास करता रहा कि उन्होंने होर गाने हिट हो मैं उन्होंने पैरोडी करा नुसरत फतेह अली खान के गाण एग्जाम्पल दी जा इस तरह पंजाबी दे विच पंजाब दे विच सरदूल सिकंदर के गाण एग्जाम्पल दी जा आने वाली बहुत सारिया पीढ़ियां जड़िया उन्होंने गाण तो प्रेरणा लेंदिया रहनगियां मेरे नाल इस समय भगवंत मान जी ने आप गलबात करांगे भगवंत मान जी एक बहुत वड्डा झटका सीगा सवाल भी जहन दे विच कुछ नहीं आता पर की जब जहन दे विच की आया जब तुसीं इह एड्डी वड्डी गल सुनी कि सरदूल सिकंदर साहब इस दुनिया दे विच नहीं रहे फर्ज़ नहीं हैगा जी कि जिन्हां नाल असीं कोई अफसोस प्रगट करिए साडे परिवार दे मैंबर सी साडे मार्गदर्शक सी समय समय ते सानूं कलाकार मिलते थे कोई ऐसी चीज़ याद आती है भी अपना बच्चा समझ के डांटिया हो गया उन्होंने दो बोल बहुत बारी सानू दसते रहे बतौर कलाकार भी और बतौर जदों दो राजनीति च आया उदों तो भी समय समय से गाइड करते रहते कोई ऐसी गल जी हजे तक भी थोड़े ध्यान हम हजे बार बार आई जाती है दिमाग च कुछ होर गल आई नहीं रही हजे तक यकीन इस गल नहीं हो रहा कि वह नहीं रहे सो इस करके आए अज उन्होंने जद्दी पिंड आए हैं जितों उन्होंने शुरू किया बहुत छोटे जे पिंड चो उठ के ध्रुव का तारा बने वो पंजाबी संगीत जगत पूरी दुनिया के अफसोस कर रहे लगता भी बहुत जल्दी चले गए इदा नहीं रोंद देखा कलाकार किसी लिए मान लो दिलशाद अख्तर जी की मौत बेवक्ति हुई है वरिंदर जी की हुई है अमर सिंह चमकीला की हुई है बिंद्रकिया की हुई है अज जिमें सरदूल के जाने तो बाद कलाकार रोए आ देखो साडे परिवार के मैंबर से वो साडे लाणेदार से सानू समय समय से उन्होंने बुला के चाहे वह कलाकारी के गुण होन चाहे वह अपने तजर्बे से तो गल्लां दसनिया होन दसते रहते करते रहते गल महीना क पहला मेरे नाल गल हुई जो दीप हॉस्पिटल से तो उन्होंने मैंने कहा कि मैं मोहाली शिफ्ट होना चाहना मैं तो 40 च शिफ्ट कराया उस रात ही पर चार दिन पहला परिवार नाल गल हुई कहिंदे छोटी जी बस एक इन्फेक्शन जी रह गई तो बाद छुट्टी हो जाएगी पर परमात्मा ने लंबी छुट्टी एक रात पहला तक गल करते रहे मास्टर सलीम जी भी जी 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 वेंटिलेटर से जाने तो पहला उन्होंने ठीक सी गलबात करते रहे सी बस अचानक ही पहुँचना चाहिए देखो एक किसी जो सरदूल सिकंदर वर्गे कलाकार ने किसी पार्टी के ज किसी जाति या धर्म के नहीं तो सारे के सांझे कलाकार पहुँचना चाहिए किस तरह अपना पर्सनल कनेक्शन कैसा बहुत ज़्यादा मेरे तो बहुत ज़्यादा परिवारिक संबंध सके फिल्मों भी काम किया मैं जिंदगी पहला टूर जोड़ा विदेशों का अमर नूरी जी सरदूल जी हॉलैंड बेलजियम फ्रांस जर्मनी इटली मैं तो बल्कि यह कहना जे कि वो फुलां दी कच्ची पर ने गाना ना गाँवे तो शायद भगवंत मान पैदा ही नहीं होना सी क्योंकि उन्होंने गाने की पैरोडी करके तो मैं गोभी की कच्ची पर ने करके मैं हिट होया मैं तो यही अरदास करता रहा कि उन्होंने होर गाने हिट होन मैं उन्होंने पैरोडी करा जिन्हें वो हिट होने मैं भी उन्नी हिट होगा सो मैं तो उन्होंने नाल काम किया बतौर स्टेज सैकटरी भी तो मेरे तो मैंटर से मेरे मार्गदर्शक से तो पर यकीन नहीं आता नहीं वो तो सगों होर वह तो सगों मेरे ना खुद स्टेजा के उत्ते म्यूजिशियन जिहड़े ने वो नाल मेरे साज वजाउंदे सी ते मैनू कहिंदे सी तू तू ये सुना आ गाना सुना तू सो मतलब एक ऐसी जिन जिनू कहां नीयत रजी हुई वाली रूह सी कि किसी नाल जलसी नहीं करते क्योंकि वो परमात्मा ने उन्होंने इन्नी कला दी सी भावें माता दी भेटा गाउणी होण भावें सैड सोंग गाउणे होण भावें ड्यूट गाउणा होवे भावें कोई डांसिंग बीट होवे मतलब आवाज़ जिहड़ी आ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ
जिन्हों आप सची मुची कह सकते हैं कि कोई दोबारा सरदूल सिकंदर पैदा नहीं होना। जिमें मेरी फोन पर गल हुई जो 40 शिफ्ट कराया उन्होंने तो उदो खुश थे दीप अस्पताल लुधियाने तो महीना क पहला तो 20 तरीक नूं गल हुई है परिवार नाल। जिस तरह नुसरत फतेह अली खान के गाणियां दी एग्जाम्पल दित्ती जांदियां इस तरह पंजाबी दे विच पंजाब दे विच सरदूल सिकंदर के गाणियां दी एग्जाम्पल दित्ती जांदियां ने। आने वाली बहुत सारिया पीढ़ियां जिहड़ियां उन्हां दे गाणियां तो प्रेरणा लैंदियां रहणगियां। देखो इतने कोई मैं इतने कोई देखो पहली गल तो मैं राजनीतिक जां कोई नुक्ताचीनी नहीं मैं करनी। बाकी ये है कि जिहड़े सिंगर ने आर्टिस्ट ने कवि ने नावलकार ने नाटककार ने वह कौम का सरवाया होंगे ने तो उन्होंने सांभ संभाल उन्होंने आखिरी दिनों के उन्होंने कोई बीमारी हो जाए तो इस तरह का कोई म्यूचुअल फंड सरकार नू जा सरकार नू कोई इस तरह का एक महकमा जिहड़ा पैदा करना चाहिए कि कलाकारां दे जिहड़े ठीक है जदों उन्हां दे दिन हुंदे उदों तां नहीं पता लगदा जदों वक्त दौर गुजर जांदा तो फिर उन्हां नू कोई पुछदा नहीं तो इस करके इस जिहड़ी जलालत तो बचण लई सरकार नू कोई महकमा पैदा करना चाहिए। इस वक्त देखो 3 आर्टिस्ट जिहड़े आ असी पार्लीमेंट दे विच आ मुहम्मद सदीक साहब हंसराज हंस जी मैं भी हैगा इतों चलो सनी देओल बॉम्बे नूं बिलोंग करते हैं पर है वो भी आर्टिस्ट ने। सो इस वक्त एक मौका है कि असी इकट्ठे बह के पंजाब सरकार ना कोई गल करिए आर्टिस्टां नूं नाल लैके कि एक म्यूचुअल फंड इस तरह का क्रिएट किया जाए ताकि कोई भी कलाकार होवे जिन्हों उहदे ते परिवार ते कोई त्रासदी आउंदी है तां उहनूं घट्टो घट्ट आर्थिक पक्षों नूं कोई किसी किस्म की कमी ना सा। पंजाब ते पंजाबीयत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुँचण की कोशिश विच तुसी भी देवो साडा साथ तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट खबर की निरपक्ष आवाज विजिट करो www.nirpakhpost.com।